नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की खास खबरें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर, माजिद सिद्दीकी। आज कश्मीर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, योग दिवस पर श्रीनगर से देश दुनिया को देंगे संदेश। हिमाचल उपचुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह, सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट देने का हो रहा खुलकर विरोध। महज 6 दिन के अंदर फिर नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, आज ले सकते हैं बड़ा फैसला। हरियाणा में फिर गर्माएगी सियासत, कांग्रेस विधायक आज राज्यपाल से मुलाकात कर करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। वित्त मंत्री आज करेंगे इंडस्ट्री के लोगों के साथ प्री बजट बैठक, बैठक जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना। ओडिशा में नव निर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, 20 जून को होगा विधानसभा स्पीकर का चयन। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का ऐलान, सीबीआई जांच कराने की घोषणा। झारखंड में भी होगा जातीय सर्वेक्षण, विधानसभा चुनाव को देखते हुए चंपई सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के बाली तिरछी वन क्षेत्र में भड़की आग, 2 घर जलकर खाक। दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ घंटों में बारिश का अनुमान, यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में भी गिरेगी राहत की बूंदे। अमेरिका ने किया सीरिया में हवाई हमला, देशद्रोही संगठन आईएसआईएस के वरिष्ठ अधिकारी की जान लेने का किया दावा। यूएनएचआरसी ने इजरायली सेना के 6 हमलों की जांच की, बताया इसराइल ने गजा में युद्ध के नियमों का किया उल्लंघन। लाल सागर में नहीं रुक रही होती देशद्रोहियों की दहशत, अब एक और जहाज को डुबोया, मिसाइलों से किया हमला। चिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार के बाद चीन की नई चाल, अब इस्लामी टर्म वाले गांवों के नाम में कर रहा बदलाव। हज यात्रा के दौरान 665 लोगों की गई जान, 60 से अधिक भारतीयों की गई जान। एयर इंडिया चुनिंदा घरेलू मार्गों पर प्रीमियम इकोनॉमी क्लास की करेगी शुरुआत, जुलाई से शुरू होगी सर्विस। गौतम अडानी ने लिया बड़ा फैसला, अडानी ग्रुप अब एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट में $100 अरब का करेगा निवेश। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ने जारी की पूरी लिस्ट। शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 100 अंक चढ़कर फिसला, निफ्टी 23,500 से फिसला। पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट के बड़े फैसले, वैष्णव ने बताया 14 खरीफ फसलों की MSP को मंजूरी। शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 2 इलाकों में समानांतर कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। जनता के समर्थन से उत्साहित उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी थी। उद्धव ठाकरे ने इस साल के अंत में होने वाले चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं, या आप बनाम मैं होगा। उन्होंने शिवसेना के 2 गुटों के हाथ मिलाने और NDA में जाने की अटकलों को खारिज कर दिया। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि वह उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ संभावित सुलह से जुड़ी अटकलों पर विराम लग गया। ठाकरे ने शिवसेना के 98वें स्थापना दिवस पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 9 जून को सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी और उसकी जगह इंडिया गठबंधन नेत सरकार सत्ता संभालेगी। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यह खबर फैलाकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है कि शिवसेना UBT सत्तारूढ़ राजग में शामिल हो जाएगी। ठाकरे ने भाजपा के साथ फिर से गठबंधन करने की अटकलों के संबंध में कहा कि हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जिन्होंने शिवसेना को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय निचले सदन के कुछ सदस्यों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं सुना देता, विधान परिषद की 11 सीटों के लिए
कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को चुनाव होने हैं। इस चुनाव में विधायक मतदान करेंगे। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुत्व को त्यागने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या राष्ट्रीय पार्टी का क्षेत्रीय दलों तदेपा और जेडीयू के साथ गठबंधन स्वाभाविक है। शिवसेना यूपीटी अध्यक्ष ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व को प्रतिगामी करार दिया और अपनी पार्टी के हिंदुत्व को प्रगतिशील बताया। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने भी कार्यक्रम में ठाकरे पर जोरदार हमला किया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आपका हिंदुत्व कहां चला गया, आपको भाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना यूपीटी ने कांग्रेस के वोट बैंक के कारण कुछ लोकसभा सीटें जीती। उन्होंने कहा कि आपने वोट बैंक की राजनीति के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। इस बीच उद्धव गुट के नेता विनायक राउत ने अपनी हार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने फर्जी तरीके से चुनाव जीता है। उन्होंने चुनाव आयोग के पास जाकर मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है और मांग की है कि राणे की सांसदी को अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद्द कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर यहां उनकी बात नहीं बनी तो वे अदालत का रुख भी करेंगे। दरअसल मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट का है। पूर्व सांसद और शिवसेना यूबीटी के नेता विनायक राउत ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज कराई और बीजेपी सांसद नारायण राणे का चुनाव रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राणे ने लोकसभा चुनाव फर्जी तरीके से जीता है। विधायक राउत ने मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित एक पत्र में आरोप लगाया है कि उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी के नारायण राणे ने हाल ही में लोकसभा चुनाव फर्जी तरीके से जीता है और मांग की कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से राणे का चुनाव रद्द किया जाए और उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने और मतदान करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही राउत ने कहा कि ईसीआई से शिकायत करने के अलावा वो जल्द ही बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और राणे की जीत को चुनौती देंगे। महाराष्ट्र में अभी चुनावी बिगुल बजा भी नहीं था कि राजनीतिक दलों में बड़ी उथल पुथल नजर आ रही है। एनसीपी अजित गुट के नेता पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल, जिन्होंने अजित पवार के साथ मिलकर शरद पवार की पार्टी से बगावत की थी, अब वापसी के संकेत दे रहे हैं और अब छगन भुजबल उद्धव गुट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। खबर आ रही है कि भुजबल ने शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता से मुलाकात की है। बता दें कि शिवसेना से भुजबल का पुराना नाता है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत शिवसेना से ही की थी और अब एक बार फिर वो शिवसेना में वापस लौट सकते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी नेतृत्व से भुजबल के नाराज होने की खबरों के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। संजय राउत ने भी भुजबल को लेकर कहा कि शिवसेना छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति खुश या शांत नहीं है। अगर भुजबल शिवसेना में होते तो अब तक उनका मुख्यमंत्री बनने का तिलक हो चुका होता। एक तरफ छगन भुजबल लगातार पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा सांसद बनाए जाने के फैसले पर भी भुजबल असहज नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद के राज्यसभा नहीं पहुंच पाने पर दुख भी जताया था और अब विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात ने पार्टी से उनकी नाराजगी पर एक तरह मोहर सी लगा दी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही भुजबल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भुजबल चुनाव से पहले ही पाला बदल लेंगे, जो अजीत गुट के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में खटपट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले अजीत पवार के एनसीपी और बीजेपी के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई, अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना और बीजेपी के बीच तकरार छिड़ी है। राज्य के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली में जगह जगह लगाए गए बैनर दोनों घटक दलों के बीच अंदर खाने चल रही खींचतान की कहानी बयां कर रहे हैं। कंकावली में शिवसेना दफ्तर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। इस बैनर पर शिवसेना कोटे से शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत और उनके भाई किरण सामंत की तस्वीरें हैं। ये दोनों इसी जिले के वासी हैं। उदय सामंत रत्नागिरी से लगातार 4 बार के विधायक हैं। अब इस बात की चर्चा तेज है कि कंकावली में शिवसेना आखिर किसे चेतावनी दे रही है, किसे हिसाब लेने की बात कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के बीच दरार चौड़ी हो गई। पहले तो सामंत बंधु चाहते थे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट उनके पास रहे, लेकिन बीजेपी ने वहां से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उतार दिया।
राणे के बेटे नीलेश राणे का आरोप है कि सामंत बंधुओं ने क्षेत्र में मदद नहीं की, हालांकि नारायण राणे वहां से जीतने में कामयाब रहे। ऐसे माना जा रहा है कि इस बैनर के जरिए शिवसेना ने राणे को चेतावनी देने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैनर की चर्चा पूरे जिले में है और कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। बैनर पर बाला साहेब ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर छपी है और एक बड़ा बाघ भी दिखाया गया है। इसके अलावा बैनर में उदय सामंत और किरण सामंत की बड़े आकार की तस्वीरें हैं। इसके बाद कंटेंट में शिवसेना सिंधुदुर्ग जिला पदाधिकारी और शिवसैनिक लिखा गया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी। राज्य की कुल 48 सीटों में से एनडीए ने 17 सीटें जीती, जबकि यूपीए ने 30 और एक सीट निर्दलीय ने जीती है। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन में पहली चिंगारी रत्नागिरी सिंधुदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में ही बढ़की, जब नवनिर्वाचित सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने उदय सामंत पर आरोप लगाया कि पालक मंत्री होने के बावजूद उदय सामंत जिले में नारायण राणे को बढ़त क्यों नहीं दिला सके। राणे ने यह भी कहा, वो सामंत बंधुओं के व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। नीलेश राणे ने सामंत बंधुओं पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पालक मंत्री होने के बावजूद उदय सामंत जिले में हमें नेतृत्व दिला पाने में नाकाम रहे। राणे ने कहा कि उदय सामंत रत्नागिरी के संरक्षक मंत्री हैं, अभिभावक मंत्री के तौर पर उन्हें जो करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया। राणे ने आरोप लगाया कि उदय सामंत के विधानसभा क्षेत्र रत्नागिरी में हम माइनस में रहे, ऐसे में उन्हें यह बात बतानी चाहिए कि हमें लीड क्यों नहीं दिला सके। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 24 साल के एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसने कथित तौर पर बुजुर्ग पंजाबी व्यक्ति का वेश धारण किया। बताया जा रहा है कि यह शख्स कनाडा के लिए उड़ान भरने वाला था। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि रंगे हुए बालों और दाढ़ी वाले गुरसेवक सिंह को मंगलवार शाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से पकड़ा गया है और उसे दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। सीआईएसएफ कर्मियों ने पहले उस व्यक्ति को रोका क्योंकि उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। जब उससे आईडी मांगी गई तो उसने शुरू में अपना पासपोर्ट दिखाया, उस पर 67 साल के रशविंदर सिंह सहोता की डिटेल थी। अधिकारी ने बताया कि उसे मंगलवार को दिल्ली से उड़ान भरने वाली एयर कनाडा की फ्लाइट में सवार होना था। अधिकारी ने बताया उस व्यक्ति की शक्ल, आवाज़ और त्वचा की बनावट पासपोर्ट में दिए गए विवरण से काफ़ी कम उम्र की लग रही थी। करीब से देखने पर पता चला कि उसने अपने बाल और दाढ़ी सफ़ेद रंग में रंगवा रखे थे और बूढ़ा दिखने के लिए चश्मा भी पहना था। अधिकारी ने बताया कि आगे की पूछताछ में यात्री ने अपनी सही पहचान गुरसेवक सिंह, जिसकी उम्र 24 साल बताई गई है, और उसके मोबाइल फ़ोन में इसी नाम के पासपोर्ट की फ़ोटो मिली। उन्होंने बताया कि मामला जाली पासपोर्ट और फर्जी पहचान का था, इसलिए यात्री को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएंट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, माइग्रेन अगर डेफिशिएंट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएंट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहां 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम सीएमडी। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए। We'll be right back.